भाईजान भाईजान जी, ये आप क्या कर रहे हैं? सजदा कर रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा। किबला तो उस जानी पर, इस जानी सब सजदा कर रहे हैं। ये मेरे पीर साहब ही कबर है, मैं अपने पीर साहब को सजदा कर रहा हूँ। पीर साहब को सजदा क्यों, जबकि दूसरे का फरमाना है, दूसरे में इसका सख्ती से मना बना है, जिसका मफहूम है कि कपड़ों को सजदा मत करो। भाई आपको नहीं पता, ये मेरे पीर साहब ही कबर है, ये अल्लाह के बहुत बड़े वली है, ये बड़ी ऊंची सरकार है। मैंने अपने पहले भी बड़े मसले हल करवाए हैं, अभी मुझे किस तरह से मसले आए हैं, इस वजह से मैं इनके पास आया हूँ। बेशक भाई जी, ये पहुंची हुई सरकार है, पहुंची हुई सरकार है तो जन्नत के बागों में मदद कर रहे होंगे। अब इनका दुनिया से रब्ता खत्म हो चुका है, अभी हमारी क्या मदद करेंगे? जाओ यार भाई, मैं बड़े बड़ा परेशान हूँ, ये सामना करो। मैं आपको एक मिसाल से वादा करता हूँ, जब ये फोत हुए थे यहाँ कबर तक किन लोगों के साथ आए थे? हम लोगों के। और इनको गुस्ल किन लोगों ने दिया था? हमने देना था, हमें दे रहा था। अगर ये अपना गुस्ल खुद नहीं कर सकते तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? अगर आपको कोई कपड़े उतार के कहेगा आपका गुस्ल करना, आप उसको करने देंगे? जाओ यार, आप वलियों का मुनकर हो, दफा जाओ यहाँ से। नहीं भाई जान, मैं वलियों का मुनकर नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको समझा, आपका हमदर्द हूँ, आपके कपड़ों को सजदा कर रहे हैं, आप ही अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह ताला हर गुनाह माफ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क कभी माफ नहीं करते। अगर आप इसी हालत में मर गए तो आपका क्या होगा? अब मेरी बात सुनो, आपने मिसाल दिया, मैं भी आपको मिसाल से वादा करता हूँ। अगर आपको छत पे चढ़ना हो तो आपको सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, पड़ेगी ना। इसी तरह हमने अल्लाह पाक से रब्ता करने के लिए अपने पीरों की, अपने मुर्शिदों की जरूरत पड़ेगी, ये हमारे अल्लाह के आगे सिफारिश करेंगे जाके। भाई जान, छत और हमारे दरमियान में क्या है? फासला। क्या आप ये समझते हैं कि अल्लाह और हमारे दरमियान में फासला है? नहीं, अल्लाह ताला ने कुछ फरमाया कि मैं तुम्हारी शहादत से भी ज्यादा करीब हूँ, फिर भी आप छत को अल्लाह के साथ मिला रहे हैं। और हम आपको सीधे सीधे की बात करें, मैं आपको बात, अगर आपको पैसे चाहिए हो, आप माँ के पास ड्रग जाके ये कहते हैं कि मैं वसीला फलांता वसीला फलांता, नहीं कहते, आप डायरेक्ट पैसे मांगते। इस तरह अल्लाह ताला से जाकर डायरेक्ट मांगे, अल्लाह ताला एक माह 70 माह जितना प्यार करते हैं। सोचे ये बात तो मैं सोचे कब्र पे आने का मकसद हमारा क्या है? मौत की याद ताजा हो जाए। यहाँ आके हमारी कौन सी मौत की याद ताजा हो रही है? ये गलियां फूल ईद का समा बना हुआ, यहाँ कौन सी याद ताजा हो रही है मौत की? सोचे। और आप ये यहाँ सजदा करें, गिर कर आने, यही मस्जिद में जाएं, अल्लाह के आगे गिर कर आएं, नफल अदा करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी मुश्किल दूर करेंगे। इंशाल्लाह यार, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे ये बताया, मुझे तो पहले समझ ही नहीं थी, मुझे समझ आ गया। मैं इंशाल्लाह कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कराऊंगा। उठो भाई जान, मस्जिद में चलो, नमाज अदा करें।